الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبيلا إلى مجنونه والسببا لزيادة إحسانه. سبحان الله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة किताब अल्लाह है वकीत रसीम
दोनों का परमेश्वर। और ये दोनों इस तरह साथ साथ हैं कि जब भी कहीं हम कुरान पढ़ते हैं तो उसके साए में जिक्र आले मोहम्मद खुद बखुद फिक्र कुरानी की गिरफ्त हो रही है। और जिक्र आले मोहम्मद हो तो मुमकिन नहीं कि वहाँ कुरान ना सूरह बलास में जो गुफ्तगु जारी है जमाना और मार्फत तो काफी मराहिल से गुफ्तगु गुजर के यहाँ है कि तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र ये दो ऐसे काम हैं, ये दो ऐसे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मोमिन को ये अम्र है कि वो वसीयत में शामिल भी जिंदगी में तमस्सुक रखे और वसीयत में ये दो चीजें ट्रांसफर करे मुंतकिल करे। हुजूर जरूरी है कि इंसान हक की पहले मारिफत हासिल करे और इस चीज का यकीन हासिल करे कि वो जिसे मान रहा है क्या यही हक है और फिर इस पर गौर करे कि हक को मानना हक से तमस्सुक रखना मुमकिन नहीं जब तक कि मैं सब्र का दामन अपने हाथ में मजबूती से न थामूं। इसलिए कि अल्लाह ने खालिक ने खालिक फितरत ने जहां हक की वसीयत की वहां हक के साथ रहने की वसीयत का दूसरा जुज सब्र को करार दिया। इसलिए कि मोमिन पैगाम पे जब गौर करेगा फिक्र के साथ इन आयतों पे निगाह करेगा तो खुद इस बात को समझेगा कि उस वक्त तक हक पे इंसान कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसका रिश्ता सब्र से ना हो। दोनों बराबर साथ रहने वाली सिफात हैं, साथ रहने वाले दोनों अल्लाह के दिए हुए वो इनाम हैं कि बज़ाहिर तो हो सकता है जमाना के और मादा के चाहने वाले लोग सब्र को अपने लिए कोई मुबारक चीज न समझें मगर जो हक को पहचान जाता है उसके नज़दीक सब्र भी अल्लाह की बुलंद तरीन नेमतों में से एक नेमत और सब्र का दामन पकड़ने वाला हक से दूर नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को अल्लाह ने आयत में साथ और ये देखिए कि ये सब्र है क्या। कल थोड़ा सा आकाश कर दिया था कि मशीयत इलाहिया रजा इलाहिया को खुश दिली से कबूल कर ले ये है सब्र की एक मंजर। दूसरी मंजर ये है कि तमाम मामलात जिंदगी में जहां भी कोई शिद्दत सामने आ रही हो जहां भी कहीं कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो तो इंसान वहां बर्दाश्त से काम अपनी बर्दाश्त को बुलंद और साबित कदम रहे कोई ऐसी लग्जिश ना होने पाए फिक्र में या अमल में कि वो उस मुश्किल से घबरा के हक का दामन छोड़ दे क्योंकि जब सब्र से वो दूर हो जाएगा तो अद्भुत हक से भी दूर हो जाएगा। और तीसरी बात कि सब्र उस कैफियत को कहते हैं कि जहां हम अपनी ख्वाहिश दिल में उठी हुई ख्वाहिश को अमल करने से पहले तोड़ के देखें कि क्या मेरी ख्वाहिश परवरदिगार के अहकाम और ख्वाहिश इलाहिया मशीयत इलाहिया के ताबे है या उसकी नाफरमानी में मुझे दाखिल कर दे। जो इंसान अपनी ख्वाहिश को हर ख्वाहिश से पहले जिंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो रियली के दीनी ख्वाहिश दुनिया भी पूरी जिंदगी इस्लाम से मुसल्ले और मस्जिद और इमाम बारगाह तक मालूम नहीं देखा जाना इस्लाम तो दीन है
तो वो चाहता है कि इस्लाम जिंदगी के इंसान जिंदगी के हर शोबे में मुझे अपने नफ्स पे नाफिस करे, तस्लीम ही तस्लीम अल्लाह के हम के सामने। तो कोई भी ख्वाहिश हो आपकी, उससे पहले आप ये देखें कि क्या मेरी ख्वाहिश अम्र इलाही से, कानून इलाही से टकरा तो नहीं रही, और अगर अल्लाह के अहकाम से टकरा रही हो तो उस अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देना अल्लाह की ख्वाहिश में, ये सब्र की बहुत बड़ी मंजिल है। और सब्र को हमने जिंदगी में हमारा सब रोजमर्रा का मुशाहिदा, हम अजीजों से बिछड़ जाए तो सब्र की तरकीब, और हकीकत में उस वक्त हम वो आयत जो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आयत पहले मैं इस्तरजा इसे कहते हैं, ये सिर्फ सदमों के बर्दाश्त करने के लिए यह आयत नहीं है, ये इसलिए सुनाई जाती है हर मुश्किल लम्हे में कि भाई हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं, कि बस सोच लो अगर आपको कोई फायदा हुआ है तब भी वो अल्लाह की तरफ से है, अगर नुकसान हुआ है तो भी अल्लाह की तरफ से है, जब सारा कुछ इस दुनिया का पलट के जा ही उसी की तरफ रहा है तो फिर उसकी मशीयत पे सब्र करो और उसकी बारगाह में शिकायत न करना, ये लाजमी अमर है सब्र का, कभी परवरदिगार से शिकायत करवाना, परवरदिगार के आगे तस्लीम, दिल भी शुक्रगुजार रहे, जुबान भी शाकिर रहे। और हुजूर सब्र की हमारी कैफियत क्या है कि जब भी हम बेबस होते हैं तो हम ये समझते हैं और शायद हमारे लिए यही हद काफी है कि जहां भी बेबसी हो वहां सब्र करें, जरूर पढ़िए मोहम्मद वाला बेबस होते हैं, वहां भी अल्लाह हमें सब्र का तमगा दे देता है।
हालांकि वो हमारी बेबसी है, बेबसी। अब बेबसी के बाद दो सूरतें हैं, या तो खालिक की शिकायत शुरू कर दी है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता और उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अल्लाह इसलिए इसे सब कहता है कि आप हैं तो बेबस, लेकिन अपनी बेबसी को छोड़ के, भूल के मेरी ताकत को तस्लीम कर रहे हैं, मेरी रजा को तस्लीम कर रहे हैं, और शिकायत की बजाय अपने आप को मेरी बारगाह में शाकिरीन की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। ये नहीं है कि अगर मुझे आसानी मिली है तो मैं अल्हम्द पढ़ूं, शुक्राने अदा करूं, और अगर मुझे मुश्किल आए तो मैं कहूं कि इस पे कौन सा शुक्राना। तो हुजूर उसमें यहां ये बात काबिले गौर है कि अगर मुझे मुश्किल भी आए तब भी मेरी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल है, मैं हर हाल में अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्रगुजार रहूं। ये सब्र की मंजिल को शाकिर होना मंजिल सब्र को बुलंद कर देता है। शाकिर हो जाए। और परवरदिगार ने इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन फी इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकुल्ले सब्बारिन शुकूर। सूरह रहीम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ये जो मेरी किताब है, अगर कोई सब्र सीखना चाहता है और सब्र की मंजिलें और मरातें बुलंद करना चाहता है तो फिर अल्लाह कह रहा है कि इसमें जितनी मेरी आयतें हैं, जो मेरी आयतों को पढ़ता है, मेरी आयतों में गौर करता है, मेरे अहकाम पे और इस किताब में मौजूद इबरतों पे जो गौर करता है, तो अल्लाह फरमाता है कि उस हर शख्स के लिए जो इस किताब की आयतों पे गौर करता है, उस हर शख्स के लिए इसमें मवाद मौजूद है कि वो उसके नफ्स को साबिर भी बना दे, शुकूर भी बना दे। सुभान अल्लाह। तो जब तक हम कुरान का मुताला नहीं करेंगे, ये सब्र का वस्फ हकीकत में मुस्तहकम नहीं हो सकता। अब जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कुरान की मैटर को पढ़ेंगे, उसमें जो कुछ बयान हो रहा है वो आपके नफ्स में एक ऐसी खूबसूरती, एक ऐसी सिफत पैदा करता है अल्लाह के कलाम को पढ़ना कि खुद ब खुद इंसान सब्र के लिए आमादा हो जाता है, और सब्र के बाद जो बुलंद मंजिल है वहां शाकिर होता है। हमारा सब्र बेबसी का सब्र। अच्छा, हकीकत में अगर हमें इख्तियार दे दिया जाए तो क्या होगा? एक मुश्किल आया फिर इख्तियार दे दिया जाए तो सबसे पहले हम उस मुश्किल को दूर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर बेबसी के साथ इख्तियार भी आ जाए तो फिर हमारा रवैया सब्र पर कायम नहीं रहेगा। फिर हमारी अवलीन कोशिश ये होती है कि हम अपने वसाइल को सर्व करके इस मुश्किल से निकल जाए। बात और अगर वो तरीका शरीयत इलाहिया के खिलाफ नहीं है और इताअत इलाहिया से निकाल नहीं रहा आपको, तो उसमें भी कोई सजा नहीं है। लेकिन उससे बुलंद मंजिल यह है कि अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह की रजा है तो फिर वसाइल हो भी अगर तो आप उसकी रजा पे सब्र करें। उसकी एक बहुत खूबसूरत और आसान मिसाल झलक अल्लाह ने ट्रेनिंग के तौर पर मुसलमान को दी। किसी इबादत में सब्र, वैसे तो हर इबादत में है, शामिल है, नमाज सब्र से पढ़िए। आपको जो लालच हो रहा है कि मैं अपना नमाज खत्म हो और मैं अपने धंधे शुरू कर दे, वहां भी सब्र के दो कि नमाज को उसकी शान के मुताबिक उसके परिवार जो आया था पढ़ रहे हैं, सूरा पढ़ रहे हैं और जो दुआ मांग रहे हैं, हर चीज में आपकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो थोड़ा वक्त जरूर, और अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो जाहिर है जो सूरे याद हो जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली वो जुबान उस सूरा को दोहरा तो देता है, तो पता चला कि उस वक्त वो इबादत से जुबान की इबादत शुमार होगी।
आपका आपका दिमाग उस इबादत में शामिल नहीं, आपका कल उस इबादत में शामिल नहीं, आपका नफ्स उस इबादत में शामिल नहीं। हक ये है कि जब आप सजदे में जाएं या कयाम की हालत में हो और जो कलिमात जो आयात आप पढ़ रहे उस वक्त एक दफा ये सोचे कि क्या मैं सिर्फ जुबान से हाजिर हूँ या नफ्स समेत हाजिर। चाहिए कि जब सजदे में हो तो आपके खून का एक एक जर्रा सुभान रब्बिल अला बंदे, आपकी सोच इधर उधर से मुंतकिल, आप बारगाह उसकी बुलंदी को सोचते हुए और जितना उसे सोचेंगे उसके जलाल की हैबत आपके दाखिल होगी और सजदे की अजमत सजदे का जज्ब बढ़ जाए और उस सजदे के बाद आपको उठने के बाद महसूस होगा कि वाकई जिंदगी में आज मैंने सजदा अदा किया। और बाद जब हम तालीम में कुछ करते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि बहुत सी कमी रह गई, पता नहीं कहाँ कमी रह गई। बेसब्री तो नहीं कहलाएगा लेकिन बेबसी का सब अमूमी सबर, जहां जहां हमारा बस नहीं चल रहा मगर हम चूंकि अल्लाह की शिकायत नहीं कर रहे इसलिए बेबसी के बावजूद अल्लाह उसको सब शुमार करेगा कि बेबस तो है मगर मेरी शिकायत नहीं कर रहा, लिहाजा इसके रवैये का नाम सब शुमार किया जाए। ये बात आपका कौन की अच्छा अल्लाह ने ट्रेनिंग दी है, मैंने उसकी हर इबादत पे सब्र है, नमाज में भी है, हज में भी सब्र है, अपना माल खर्च करेंगे माल खर्च करना भी सब्र मांगना है, वक्त खर्च करेंगे ये भी सब्र मांगना है, थकेंगे सबसे मुश्किल रुकन है वहां भी सब्र, जहाज में गए तो सब्र ही सब्र की जरूरत है, घर वालों से विदा होते गए तो एक सब्र है, मौत को गोया सोच कर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी मंजिल है सब्र, क्या मौत की तरफ बढ़ रहे अल्लाह के लिए तो जिहाद में सब्र है, लेकिन जिहाद ये नहीं है तो दूसरा आज कल की जिंदगी में तो मौके जिहाद के ऐसा जिहाद के जो हलाल जिहाद हो, ये तालिबानी जिहाद की वो जिहाद जो शरायत के मुताबिक हो और किसी की महजब और शहरी जिंदगी को नुकसान ना पहुंचाए और वाकई आपको महाज पे बुलाया गया हो तो फिर वो याद है। और हमारे यहाँ तो ये है कि जब तक इमाम मासूम या उनका कोई नुमाइंदा आपको इजाजत ना दे आप जिहाद के लिए नहीं करें, वैसे हर वक्त एक जिहाद रखना है आपने और वो है नफ्स से जिहाद। और मैंने जो अभी जितनी गुफ्तगू की कि आप सब्र करें अल्लाह की रजा पे खुश रहे, ये सारा जिहाद ये सारा अमल जिहाद है और सब्र इसलिए है कि आप जिहाद में नफ्स कर रहे हैं। मगर एक खुसूसी ट्रेनिंग जिसमें मैंने जो मिसाल अर्ज की कि आप बेबसी वाला सब्र जो है ये सब्र का हल्का दर्जा है, इख्तियार के साथ सब्र बस है मगर सब्र, आपका बस चल रहा है मगर आप सब्र करें, ये मिसाल सिर्फ हालत सौम रोजा की हालत है। अल्लाह ने इंसान को सब्र सिखाने के लिए रमजान का एक पूरा महीना 12 महीनों में ट्रेनिंग का महीना दिया, सुभान अल्लाह, इख्तियार है और अपने आप को रोक के रखा है सुभान अल्लाह। और आप घर में मौजूद है, पानी मौजूद है सामने, प्यास लगी हुई है मगर आप नहीं जा रहे, अपनी ख्वाहिश को अपने जिस्म की जरूरत को रोके हुए हैं इसलिए मालिक की रजा के लिए, तो उस रोजा बहुत बड़ी ट्रेनिंग फराहम कर रहा है कि आप ये आपका वो सब्र है, बाकी तो आप हर मुकाम पे ऐसा सब्र पेश करते हैं जहां आपके इख्तियार में कुछ नहीं, बेबसी का नाम सब्र हो गया। छोड़ दिए हालात
अपन सोचते रहे ना कि बाद अवकात इंसान का नफ्स उसे हराम हासिल करने के लिए तैयार कर देता है, तो अल्लाह तो ये ट्रेनिंग चाहता है कि मेरी खातिर हलाल भी छोड़ दिया करो। ये जाए कि तुम साल भर ये ट्रेनिंग करने के बाद फिर भी तुम अगर हराम की तरफ बढ़ोगे तो तुमने सिर्फ मुंह को बंद तो रखा, वो रोजा रोजा न बना, फाका बन गया। जब तक आप में वो हमीयत वो सब्र पैदा न हो इस महीने में जो साल भर काम आ सके, उस वक्त तक इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे रोजे मेरे काम आए या नहीं। बहुत से अमल ऐसे हैं कि कयामत का इंतजार करने की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं अल्लाह जाने कबूल हुए या नहीं। हुजूर ने ये बड़ी जिम्मेदारी से यहां से रिसर्च किया, माशाल्लाह हमारी मिसाल थी किस मिंबर पर बैठे, लेकिन अगर उनका पैगाम और उनके पैगाम के साथ बैठे तो फिर हार गए, अपने नफ्स का पैगाम नहीं दे सकते। तो अब यहां ये सभी के बहुत से जैसे लिटमस पेपर से उसी वक्त टेस्ट हो जाता है, रोजे का भी एक इम्तहान है कि कबूल हुआ या नहीं। अगर नफ्स में साल भर उसका असर गूंजता रहे और हराम से बचते रहे तो उस साल के रोजे कबूल हो। और इन सलात तन्हा अन फहशा वल मुनकर, अल्लाह ने इसी तरह नमाज का टेस्ट दिया कि तुम कयामत का क्यों इंतजार कर रहे हो, कब्र का क्यों इंतजार कर रहे हो, वहां जाके जाने पड़े डरे कि नमाज कबूल हुई या नहीं। अल्लाह ने फरमाया सलात वो है जो फवाहिशात से रोकती है, फोहश कामों से। नमाज की दो निशानियां, नमाज वो नमाज नमाज होती है कि जो इंसान को फिर जिंदगी में हर फोहश काम से रोके रखे और मुनकरात से जिस जिस से अल्लाह ने मना किया उस हर चीज से इंसान रोक रहे। तो अगर इंसान नमाज के बाद फिर फोहश की तरफ दौड़ रहा है या मुनकरात पर दलेर हो गया है, जसारत अभी बाकी है, तो फिर ये समझ ले कयामत का इंतजार न करे, ये समझे कि ये जो कुछ वो कर रहा है नमाज की सूरत में ये महज एक एक्सरसाइज है, नमाज अभी कबूलियत की मंजिल पर नहीं पहुंचा। जब कबूल होगी तो अपना असर वही जाहिर करे। कैसे है कि आप कुछ खाएं और भूख ना उतरे, नमाज के रुकने का एक असर बताया गया है कि वो आपको फवाहिशात से वो रुकना रुकेगा और मुनकरात से रोकेगा। अगर ये चीजें हासिल नहीं हो रही तो फिर अपने नफ्स को मुतवज्जेह करें, या अल्लाह मुझे ऐसी नमाज नसीब फरमा, और फिर अपने नफ्स से कहें कि नफ्स मेरी पढ़ी हुई नमाजों को क्यों रायगा करवाता है। अपने नफ्स की तरबियत करें फिर कि नफ्स ऐसा हो जाए कि वो फवाहिश से भी बच जाए मुनकरात से, ताकि आपकी नमाज नमाज कहलाए आपका रोजा रोजा कहलाए। ये है हमारा अमूमी सब्र, क्या है निचले दर्जे का सब्र के जो बेबसी में सब्र, उससे बुरान सब्र क्या है वो हमें रोजे से ज्यादा उसका कोई ऐसा मौका नहीं है जिसकी मैं मिसाल पेश करूं। अगर जिंदगी में ऐसे मौके आ सकते हैं कि जहां किसी चीज से बचना रोजे की तरह आपको इम्तिहान में डाल, फिर आप सामने ये देखें कि भाई अगर मैं इसको इख्तियार तो है कि मैं फलां गुनाह तक पहुंच जाऊं, बहुत अहम बात कह रहे हैं, पैसा भी है वसाइल भी है और कोई देख भी नहीं रहा, अब जो कोई नहीं देख रहा तो उसको क्यों भूलते हैं कि अल्लाह देख रहे हैं। तो कोई नहीं देख रहा तो इंसान किसी गुनाह की तरफ अगर बढ़े तो उस वक्त अगर वो सब्र कर ले तो आप यकीन करें पूरी जिंदगी के रोजों से ज्यादा सवाब। इख्तियार रखता था मगर उसने खुद को बचा लिया, वह उसने वहां रोजा रखा, इताअत का रोजा रखा, मैं इताअत करूंगा और इताअत की खातिर ये ख्वाहिशें मैं ठुकरा दूंगा। और अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा ये तेरी ख्वाहिशें जो है ये हमने रखी तो थी तुझे आजमाने के लिए, इंसानियत में तुझे ख्वाहिश तो अल्लाह ने खुद रखी है तो मैं अमल कर लूं तो फिर क्या, और अल्लाह ने कहा कि ये टेस्ट के लिए ख्वाहिशें नहीं है कि तू मेरी इताअत की तरफ आता है या ख्वाहिश की पैरवी करता है, शैतान की तरफ जाता है या रहमान की तरफ आता है।
ये है सब्र। कि जब तैयार भी हो तो सब्र करें। ये सब्र उस सब्र से बुलंद है जो बेबसी में सब्र किया, जो तैयार में सब्र किया, ये सब्र उससे बुलंद है। अब आगे मंजिल मासूम की, तो मासूम का कोई सब्र ऐसा नहीं है कि जो हालत इख्तियार से पीछे सराफों का
कैरियर था दरमियान में, तो उसने कहा मौला मुझे आपकी बेबसी और मजलूमियत पर बहुत रोना है। तो सरकार ने उसे कहा कि खबरदार, हमें मजलूम को कहना बेबस है, मजलूम है मगर बेबस इसलिए नहीं है कि अगर हम चाहें तो ये जिंदान जिंदान न रहे, मगर हमने चूंकि अल्लाह ने हमें इम्तहान दिया है और ये उम्मत हमें कैद रखना चाहती है, हकीकत में इम्तहान इनका नहीं था, इम्तहान जमाने वालों का था, अगर हुज्जतें आए तो ये हुज्जतों से सुलूक क्या करवा। सरकार ने उस मोमिन को उसके घर पहुंचा दिया, ताकि तू चाहता है कि अपने घर जाए। सरकार ने कहा अच्छा बस आंखें बंद कर, अब खोल, देखा तो वो जहां का था अपने घर में, अपनी गली में खड़ा। तो मौला ने कहा कि अब बता तू मुझे बेबस समझ रहा है, तुझे जालिम की कैद से आजाद कर दिया, तुझे पता भी नहीं चला वो आजाद हो गया। तो उस वक्त उसे मारिफत हासिल हुई कि ये कौन कैदखाने में है, और उसने कहा मौला ये हाकिम मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। सरकार ने कहा ना घबरा, अधूरे काम नहीं करता ये घराना, हमने अगर तुम्हें आजाद कर दिया है तो विलायत का पर्दा डाल दिया है, ये लश्कर के लश्कर चाहे तेरे घर में दाखिल होंगे सब कुछ नजर आएगा, तू नजर नहीं आएगा। Oh,
मासूम की एक और शान है कि जब इम्तहान दिया पहली बात तो ये समझ तो फिर अपने अख्तियार को अपने इम्तहान में यूज न करें। ये मासूम ने सिखा दिया कि इम्तहान फिर कमाल दयानत से अदा अदा पेश करेगा। दूसरी चीज मासूम भी कुर्बानियां दे रहे ना, अल्लाह हर मोमिन से इम्तहान में कुर्बानी मांगता है। आपसे अगर माल है तो माल की कुर्बानी मांगे, आपके पास अगर किसी जगह पे आपकी जान की जरूरत है तो जान की कुर्बानी, कहीं औलाद की जरूरत है तो कुरान में आप जाइए औलाद की कुर्बानी भी मांगी। अल्लाह आजमाएगा साथ माल के जान के औलाद के समराज के, तो जो कुछ इंसान के पास होता है उससे उसकी आजमाइश की जाती है। तो मासूम के पास ये चीजें भी थी और सब कुछ पेश किया और आप भी पेश कर दी और अपनी जान अपना नफ्स भी पेश कर दी, घर भी पेश कर दिया, माल भी लुटवा दिया, लाशें भी उठा ली। और एक और चीज थी मासूमीन के पास, हुसैन के पास एक और चीज थी जो हमारे पास नहीं होती। हम इम्तहान देंगे सिर्फ इन्हीं चीजों से, माल से जान से। मोहन की विराज है अगर वो इस इम्तहान में कामयाब, जान से माल से नफ्स से औलाद से कुर्बानी दें आपके लिए कामयाबी की इंतहा है। लेकिन मासूम के पास एक और चीज है जो हमारे पास नहीं है, वो है कायनात का तकवीन का इख्तियार, जिस चीज को जो चाहे जहां बनाए। मासूम के पास एक वो इख्तियार भी है कि सहारा को दरिया करे और दरिया को सहारा। तो मासूम हुसैन ने जब इम्तहान दिया तो मासूम ने अपने इम्तहान को मोमिन के इम्तहान से बुलंद चुके रखना है। इसलिए जो कुछ आपके पास होता है इम्तहान की शर्त अल्लाह की बारगाह में है कि जो कुछ है ना तेरे पास, जो कुछ अतः अगर तेरे पास कोई इख्तियार भी है जैसे पानी पीने का इख्तियार है रोजे में, आज मुझे कुर्बान कर छोड़ा तो चारों में से सब कुछ खो जाए।
से तस्वीर के दानों की तरह जुड़ी हुई। हमारे सारे रखना है ईमान को बरकरार रखना है, हक के साथ तमस्सुक को मुस्तहकम रखना है, तो फिर जो आखिरी जुज है सब्र को इख्तियार करना होगा ताकि हर चीज अपने मुकाम पे पाए, हर चीज राय के हाजिर बनती चले। ये है मोमिन का मेरा। अब जिसने आपको छोड़ा तो उन्होंने क्या किया? आपकी जब पहचान नहीं हुई, मैंने उसके ना कि पहचान पे कॉन्सेंट्रेट करें। सिर्फ ये नहीं कि हक मारूफ है तो हमने समझा यही हक है, नहीं। पहचानने की कोशिश जिम्मेदारी इंसान की आजमाइश ही है कि पहचानने में जिंदगी सर्व करे कि क्या ये हक है। और अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा था किसी से, सफीन में एक शख्स के फेरे में गया, कहा कि बेहतर है मैं अभी तुझे दावत देता हूं, तू मेरे साथ आ जा, मेरा साथ दे। तो उसने ये जो आज तक आवाज सुनाई दे रही उसकी दुकान से यही जुमला निकला जो कई बिरादरान इस्लामी इस्लाम के जो भाई हैं, इस्लाम कुछ और है, ये भाई बिरादरान इस्लाम जब हम कहते हैं बिरादरान यूसुफ चार्जेस है, तो अली वो सारे पे तस्वीर है,
पूरी दुनिया काजिब हो सकती है। अली तो हक के साथ ही रहता है, हक अली के साथ रहता है। रसूल अल्लाह ने उसे क्या कहा कि कहीं तो मुनाफिक तो नहीं हो गया? अली पे लामा धर्म अपने शजरे का ख्याल के मुकाबले में अली को अदालत में नहीं बुलाऊंगा कि आप भी दलाइल पेश करें, इसलिए कि अली वो जात है जिस तरह मैं मेरा हम नफ्स है। तो जो नफ्स पैगंबर है आप उसके लिए कुरान ने नफ्स पैगंबर कह दिया अली को, तो उसके बाद किसी के पास ये गुंजाइश थी कि वो अमूमी कानून को लागू करे कि हाँ अब आप भी दलाइल लाए। तो ये बंदे का इंसान था बुरैदा का, कहिए बुरैदा है या बुरीदा है। एक बात बस सुन के रखते मसाय, अब एक और साहबी का जिक्र सुनी कि जो उज़ैमा इब्ने साबित, ये वो हस्ती हैं अमीरुल मोमिनीन के साथ थे सफीन में और शहीद हुए, और ये वो हस्ती हैं कि वो जो मारूफ हदीस है कि एक दौर आएगा पैगंबर ने कहा था एक बागी गिरोह हमारे यासिर को कत्ल करेगा, हमारे यासिर को कत्ल करेगा, तो जो कत्ल करे वो गिरोह इस्लाम का बागी गिरोह होगा। पैगंबर ने एक निशानी दे दी। तो बिरादरान अहले सुन्नत में बहुत से लोग इस हदीस को सुन के, इस हदीस को पहचानने वाले लश्कर इब्ने अबी सुफियान से दूर हो जाते हैं। कई लोग उनके यहाँ भी ऐसे हैं जो, और हम उनकी बसीरत को सलाम अर्ज़ करते हैं को बातें नहीं बातें सुन, वो इस हदीस ने बहुत काम किया। तो वो कहते कि यहाँ आके, हालांकि अजीब बात है इस अली में, यानी साहबी असगर बैठे
يا أيها الذين آمنوا وعلى المؤمنين وہ ان پر بیٹھے ہیں اور سب کھلے منہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ پیغمبر کو جھٹلا رہے یعنی آپ نے کوئی مجھے لین دین ہوا ہی نہیں, کوئی بات ہے ہی نہیں. اس وقت جناب خزیمہ ابن ثابت کھڑے ہوئے اس رشتے میں, یعنی اس گروہ میں کھڑے ہوئے, اور کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سب کچھ اس کو دے دیا تھا اور یہ گھوڑا آپ کی کیا سودا ہو چکا تھا. اب جب یہ واقعہ ہوا پیغمبر خود اس کی طرح رخ کر کے کہتے خزیمہ مجھے یاد ہے جب یہ سودا ہوا تھا تو اس وقت موجود نہیں تھا, تو گواہی کیسے دے رہا ہے. جبنا یاد ہے پیغمبر نے رخ کہا کہ اے خزیمہ جب یہ سودا ہوا تھا اس شخص سے تو اس وقت موجود نہیں تھا, اب تو گواہی کیسے دے رہا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, آپ نے کہا تھا آپ کی زبان خواب آئی امام کو, خواب جو ہم نے خواب دیکھا
फरमाया कि ऐसा कि मौत हमारे पीछे लगी है, सैलाब है जिसे हम देखते हैं, खून का सैलाब जिसमें हम लगे और ये कुछ रोशनियां बेटे के चेहरे का डर थे और ये कुछ कोई और बात नहीं थी उसकी तरफ से हक क्योंकि ऐन हक का बेटा था Oh,
جنت کا ذکر وہ عظیم ذکر ہے, لیکن میں بھی ایک تاکید کرتی ہے اس میں کہ مومن کم سے کم اکبر کا ذکر سنا کر جہاں پا کے تشویق بھی دلوائی کہ اکبر کا ذکر منعقد کرو اور پھر باپ نے زیادہ نہ سنا کر پوچھا کسی نے کہ کیوں, تو بی بی کہتی ہے کہ اس لیے کہ اگر مجمع میں علی اکبر کی شہادت اور مصیبت پڑھی جائے اور کوئی مومن رو نہ پائے تو میں تو زینب کے دل پر
بار بار دوسرا قصہ آیا ہے سربار ابن زیاد میں، سربار ابن زیاد میں جب دندان پہ چھڑی سے بے حرمتی کر رہا تھا، وہ بڑا ہوا سلام بن انصری، سلام بن انصری، سلام بن مالک، اس نے صحابی تھا نا، اس نے میں غلط نام لے رہا ہوں انس بن مالک، اللہ سلام پہ لعنت کرے پاکستان میں، انس بن مالک صحابی تھا، دیکھتا رہا کھڑا ہو کے کہتے یزید اے ابن زیاد یہ بے حرمتی نہ کر، میں نے خدا کو تو دیکھا ہے ان لوگوں کو رسول چوما، جب یہ بے حرمتی سے روکی ہے تاری سے جنے ساتھ ہی مولا کی تاری کو سفید ہو چکی تھی، کہتا ہے حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے کربلا میں، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اس وقت جناب زینب نے پردے کی اور سے جواب دیا، اے ظالم نہ سمجھ کے میرا بھائی بوڑھا تھا، اس نے اکبر کی مزار اٹھائی ہے
ऐसा कर जवान बेटे बूढ़े बाप के मददगार दोनों बाल उठा के ऐसा जवान मेरी कमर कमजोर है, मेरी आंखों में नूर नहीं है, मेरी आंखों का नूर मतलब हो गया, इसलिए मुझे चलने में दुश्वारी पेश आ रही। मैं तेरे लाशे को इस तरह हाथों में उठा नहीं सकता, इस तरह सुबह से लेकर रात तक एक एक लाशा हाथों में अपना तेरा लाशा कोई छूट नहीं रहा, बस मेरी मदद कर, ऐसा कर जवान बेटा, मैं ज़हीर बाप हूँ, आप भी ना मेरी जवान बेटे के वाली में एक बूढ़े बाप की मदद कर, बेटा मारा क्या मदद करूँ, ताकि अपने दोनों बाल उठा मेरी गर्दन में डाल, तेरा हाथ जब मेरी गर्दन में आएगा तो मैं तुझे अपने वजन को तेरे वजन को उठाने के लायक हो जाऊंगा, सीने से सीना मिल जाएगा, कदमों से कदम मिल जाएगा। देखना, 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 देख